सो गाइज, मैंने एक क्लोथ स्टैंड ऑर्डर की थी 21 तारीख को, एंड आज 27 तारीख आ चुकी है, एंड उसको मैं अभी लेने जा रहा हूँ। एंड कॉल किया था ई कॉम से, तो अपन अभी जाते हैं एंड उसको लेके आते हैं। चलो, मैं पार्सल को लेने जा रहा हूँ, सैंडल पहन लेता हूँ। आ चुका है पार्सल एंड वो सामने खड़ा है, तो सामने जाकर देख, सीधा भाग के जाता है सामने। एंड मेरे को पेटीएम करना पड़ेगा 800 रुपये, और 400 रुपये करना, 300 रुपये, हाँ 300 रुपये करना पड़ेगा कैश। एंड फिलहाल ये तो है हमारा क्लोथ स्टैंड, एंड ये लेके जा रहा हूँ। एंड कैप को इग्नोर करो क्योंकि कल रात को मैंने ऑयलिंग की थी, इसलिए कैप पहन के बहुत बुरा लग रहा है। तो पैकेजिंग बहुत बुरा है देख सकते हो, एंड कैसा डैमेज है उसमें। ऊपर जगह मिलता, फिलहाल तब इसको मैं रखता हूँ साइड में, साइड में रखता हूँ। अभी तो मैं फिलहाल वर्कआउट करूँगा थोड़ा, वर्कआउट करने के बाद नहा के मिलता हूँ, सब सेटिंग वेटिंग करूँगा। फिलहाल तो अभी वर्कआउट हो चुकी है एंड अभी नहा के मिलते हैं। फाइनली मैं नहा के आ चुका हूँ और ये हमारा पार्सल, इसको खोलेंगे एंड इसको पूरा सेटअप करेंगे। एंड समझ सकते हो मैं छोटा मोटा एक इंजीनियर हूँ, एंड इसको मैं अकेला ही सेटअप करूंगा। चलो फाइनल लुक इस क्लोथ स्टैंड का। एंड ये मेरे को कुछ खास नहीं लगा, देख सकते हो इधर ऐसे हिलाना से हिल रहा है, देखो ऊपर देखो कैसे हिल रहा है, ये देख रहे हो मैंने हाथ छोड़ते अभी भी हिल रहा है। इधर ना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है इसके जॉइंट मेरे को लग रहा है। एंड ये 1100 रुपये के हिसाब से ठीक नहीं है, देख सकते हो कुछ ऐसा है। एंड इसके ऊपर कुछ रख के अभी देखते हैं। एंड अभी देख सकते हो ये है फाइनल लुक इसका। एंड इसके ऊपर 2-4 शूज़ रखा है मैंने, एंड ये मैंने जैकेट विंटर के क्लोथ्स रखने के लिए ये उसको ऑर्डर किया मैंने, देख सकते हो कुछ अच्छा है, दिखता अच्छा है लेकिन इसका जो पहिया है ना, इसका जो स्टैंड है ये उतना हार्ड नहीं है, देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है। ये था क्लोथ स्टैंड का वीडियो, मैं बनाना नहीं चाहता था। एंड विंटर आ चुका है, मतलब आ रहा है, इसलिए मैं इसको ऑर्डर किया इसके ऊपर स्वेटर्स जैकेट वगैरह सब कुछ रखने के लिए। एंड देख सकते हो ये कुछ ऐसा है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।